डॉक्टर साइमा एनपीसी न्यूजर्सी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले लोग बात करते थे आईक्यू लेवल की, अब ये जो नई टर्मिनोलॉजी हुई है, ये गोलमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब वो इमोशनल इंटेलिजेंस में होता क्या है कि एक इंसान को अपने बारे में, अपनी मोटिवेशंस, अपनी पॉजिटिविटीज, अपनी नेगेटिविटीज, अपनी ऐसी बातें जो दूसरों के साथ करें वो दूसरों को कैसे लगती हैं, उसको पता होता है कि कैसे इमोशनली अपने आप में बैलेंस क्रिएट करना है। ये तो उसकी अपनी बात होगी। सेम टाइम उसको ये पता होता है कि जिस बंदे को वो डील कर रहा है उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी, उसकी टेम्परामेंट, उसकी दूसरों को डील करने का तरीका, उसको वो अंडरस्टैंड करता है। इसी चीज को दीन में हिकमत कहते हैं। आप किताबें पढ़ लें, बुद्धिज्म पढ़ लें, किसी भी बुक्स में आप देखें तो उसमें इसी चीज को हिकमत कहा जाता है, विजडम कहा जाता है। साइकोलॉजी इसको विजडम बोलती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलती है। अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो आपके काम किस तरह से आती है और वो लोग किस तरह के होते हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में कि आपके इर्द गिर्द आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, या आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनको पता होता है, वो अपनी पॉजिटिविटी को आगे बखेर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और चीजों को पॉजिटिव ले रहे होते हैं और पॉजिटिव दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि वो करते क्या है कि वो जब उन पर क्रिटिसिज्म आता है तो वो बहुत पॉजिटिवली उसको डील करते हैं। वैसा नहीं होता कि वो डिनाइल में चले जाते हैं या ये कि वो उनके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म को लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि उनको माफी मांगने में देर नहीं लगती है। हमेशा उन लोगों को माफी मांगने में प्रॉब्लम होती है जिनकी ईगो होती है, जिनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि उन्होंने गलती की है, उनके इमोशनली वो अपने आप को वहां पे रखते हैं कि दे डोंट वांट टू से सॉरी। और आपको पता है कि जब सॉरी इंसान को कहना आ जाता है तो आपका ये ह्यूमन लेवल बहुत अप चला जाता है। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि फॉरगेट करते हैं और फॉरगिव करते हैं। जब फॉरगिव करके फॉरगेट करते हैं तो फिर आगे किसी के साथ चलना आसान हो जाता है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आपने किसी बात को लेकर नहीं बैठना। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप एक बार सॉरी करके सेकेंड टाइम फिर वही गलती करें, इस तरह के लोग होते हैं। उसके बाद उनकी ऑथेंटिसिटी होती है। ऑथेंटिसिटी क्रिएट कैसे होती है? जब आप किसी बंदे से कोई बात करते हैं, किसी बंदे से कोई चीज कहते हैं, जब आपको किसी बंदे से कोई कमिटमेंट करते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। जब वो कोई बात कहते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस अपनी बात को पूरा कर सके ताकि लोगों के दरमियान, उनके दरमियान एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग दूसरों की हेल्प करते हैं। लोगों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है या ये कि आपके पास कितना पैसा है, वॉल स्ट्रीट में आप ये काम करें या आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। लोग आपको ये देखते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने दूसरों की हेल्प कैसे की है। अगर आप किसी की आपने मदद की है जब उसको आपकी जरूरत है तो आप वहां थे। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग वहां पे होते हैं जब यहां पे उनकी किसी को जरूरत होती है। इसी तरह से वो दूसरों को देखते हैं, वो दूसरे लोग भी उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि उन्होंने एक एटमोस्फेयर क्रिएट कर लिया होता है। उसके बाद ये लोग होते हैं ये जो क्रिटिसिज्म को बहुत स्ट्रांग अच्छे तरीके से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, वो इसको अपनी ग्रोथ समझते हैं। रादर देन दैट कि जब कोई बंदा उनको क्रिटिसाइज करता है तो वो ये सोचते हैं कि Why he did that? Why she did that? वो इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। और ये कि एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते हैं। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द होता क्या है, लोग किस तरह से करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स सो सैड कि हम लोग कंपटीशन में लग जाते हैं, कंपटीशन में भी लगते हैं। अगर देखते हैं कोई बंदा थोड़ा सा आगे जा रहा है फौरन उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम नहीं सोचते कोई बंदा हमसे आगे जा सकता है। इसका मतलब ये अगर हमें ये क्वालिटी है कि हम किसी को बुरा कहते हैं, हम किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, हम किसी को बुरा करने चले जाते हैं, एक्शन बुरे कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। और ऐसे लोग स्टबर्न नहीं होते हैं, दे आर वेरी ओपन टू लिसन एंड टू टेल। जब उनकी कन्वर्सेशन होती है वो बहुत बैलेंस कन्वर्सेशन होती है, वो बातों को करते जरूर है लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक बैलेंस लेवल पे लाके करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं या आपको पता है, 0 to 10 एक रेंज ले लें। 0 आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, 10 आप कंप्लीटली इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। अगर आप मिडल में 7-8 पे हैं तो यू आर इन अ सेफ जोन। अगर इससे कम है तो डेफिनेटली आपके इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरिटेड है या इसको हम लर्न कर सकते हैं या लर्न नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि यस, आप लर्न कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जो इंसान, यस कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ जल्दी ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है या आप लेवल पे करते हो 3-4 पे जाते हो, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें, अपने आप को बताएं, और रोज छोटे 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 पीसेस में लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके आप कोशिश करें कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहें, बताएं, अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस करें, अपनी चीजों को देखें, और मैं हमेशा एक बात पे बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ, लिखें। लिखने से क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी है वो सारी की सारी पेपर पे चली जाती है, पेपर पे जाके फिर आप उसको जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। बाज का आप किसी बंदे की देखें, किसी बंदे को कहते हैं ना, उसने लिख, मेरे पास पेशेंट आते हैं वो लिख के लाते हैं स्टोरीज, तो फिर वो करते क्या है, जब मैं उन्हें कहती हूँ वो खुद पढ़े दोबारा, जब वो पढ़ते हैं तो उनकी आंखें डिफरेंट हो जाती हैं, क्या ये मैंने कहा था, क्या ये मैं सोच रहा था। तो यही चीजें हैं कि आपका यही बात है कि अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी अपना एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखें, और देखें कि आप कैसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग हो चुके हैं वो हो नहीं सकते हैं, या ये इनहेरिटेड है, इसका पोर्शन ऑफ दैट इज इनहेरिटेड, उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये बात आपसे कहती हूँ कि कोशिश करें कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो सके। सी यू नेक्स्ट टाइम।